स्वागत है सभी मेहमानों का एक बार फिर। और कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में आखिर योगी आदित्यनाथ की एंट्री कैसे हुई। राज ठाकरे हों या पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हों, उनको अचानक योगी क्यों याद आने लगे, योगी क्यों पसंद आने लगे, इसका जवाब डॉक्टर रहमानी ने ब्रेक से पहले यह दिया। गौरव भाटिया साहब की यूपी में कोई चुनाव नहीं तो मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर भी उतर जाएंगे, महाराष्ट्र में इस पर तमाशा होगा क्योंकि सामने बीएमसी का चुनाव। सौरभ जी, मैं समझता हूं आपका ये जो कार्यक्रम है इसमें क्या बोल गए तस्लीम रहमानी जी। उन्होंने कहा, मैं दोहरा रहा हूं, हनुमान चालीसा जैसे मोहतरम मुकद्दस काबिले एहतराम मंत्र को सियासत ज़दा करके सड़कों पर लाने का काम करेंगे तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। क्या तस्लीम रहमानी जी आप ये कह रहे हैं कि पावन कुरान मोहतरम मुकद्दस काबिले एहतराम पवित्र पावन नहीं है कि रमजान हम देखते हैं कैसे रोड पर नमाज पढ़ी जाती है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि सारे मुसलमानों को आगे बढ़ के कहना चाहिए तस्लीम जी पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगे। इन्होंने कहा कि अगर रोड पे पढ़ दिया तो वो मोहतरम मुकद्दस काबिले एहतराम नहीं रहता है। और हम देखते हैं कि हर जुम्मे पे रोड पे लाखों लाखों बल्कि कई बार करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं, मतलब वो पवित्र और पावन नहीं है। पहली बात ये आप सोचिएगा विचारिएगा, आप पे मुकदमा ना हो जाए, अगर हो तो मैं आ रहा हूं, मदद कर दूंगा। हाँ दीजिए, एक नुक्ते की बात पकड़ ली आपने। हाँ सुनिए सुनिए, अब दूसरी बात, आपको मालूम है कि आज शिवसेना को सोनिया सेना इसलिए बुलाया जाता है, अब्दुल सत्तार एक मंत्री है इनकी सरकार में सौरभ जी। ये मंत्री जो अपशब्द भगवान हनुमान के लिए कह रहे थे, एक वीडियो अभी आया परसों की बात है, वो मैं टीवी चैनल पे नहीं कहूंगा क्योंकि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैं केवल ये पूछूंगा वो मंत्री बर्खास्त कब हो रहा है, और अगर वो नहीं हुआ तो ये मैं मान लूंगा कि बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे बड़ी पीड़ा में होंगे कि उनका पुत्र उद्धव ठाकरे हनुमान भगवान के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए हैं, गाली दी गई है, ऐसे मंत्री को महिमा मंडन करके स्थान देती है। और तीसरी बात कह रहा हूं, चप्पल मारूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, ये किसके शब्द है आपको मालूम है? उद्धव ठाकरे के शब्द है। और एक कहावत है भिगो भिगो के चप्पल मारना, तो ये जो ट्वीट आप कह रहे हैं ना, ए भोगी कुछ तो सीखो योगी से, ये परिवार का सदस्य भी कहेगा ठाकरे परिवार का, ठीक है? क्यों गौरव जी? क्योंकि ये आज भूल गए हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का मूल मंत्र क्या था, हिंदू स्वाभिमान हिंदू अस्मिता, इसीलिए वो हिंदू सम्राट माने जाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे सोनिया सेना से पूछ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसीलिए आपकी बात का जवाब आनंद दुबे से लूंगा, लेकिन पहले तस्लीम रहमान जी आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं जी। झुके हुए हैं सोनिया गांधी के सामने। धन्यवाद। देखिए मैं तो बहुत ही मुख्तसर सी कहूंगा, वो वकील है तो उन्होंने अधूरा पॉइंट पकड़ के आर्गुमेंट दे दिया, मैं पॉइंट को पूरा कर देता हूँ। मैंने ये भी कहा था इसके साथ कि एहतजाजन जो नमाज के लिए वक्त मांगा गया हम उसकी भी उतनी निंदा करते हैं, और जिस जुमे की नमाज उनको जाहिर है ये सूट करता है, उन्होंने जुमे की नमाज कहीं भी एहतजाजन नहीं पढ़ी जाती, मजबूरन पढ़ी जाती है, और ये मजबूरन इसलिए है कि हमारी हजारों जो आर्काइव्स की मस्जिदें हैं उसमें जुमे की नमाजों पे पाबंदी है, जो हजारों हेक्टेयर वक्फ की जमीन है कब्रिस्तान है वो सरकारी कब्जे में, इसलिए इस मजबूरी के तहत वो जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तमाम मस्जिदें जो बंद कर रखी है। अच्छा चलिए मैं इससे जुड़ा एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का और दे देता हूँ दर्शकों। दूसरा एहतजाज और मजबूरी में फर्क रखिए। डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश की चर्चा चल रही थी, इसीलिए ये भी बता दूं कि रामपुर जैसे शहर में भी जहां पर हम सब जानते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, वहां पर ये फैसला कर लिया गया कि अलविदा की नमाज और ईद की नमाज सड़क पर नहीं होगी। ये जामा मस्जिद कमेटी ने ऐलान कर दिया है और लोगों से कहा है कि आप अपने मोहल्लों में अपने घरों में जाकर के आप नमाज पढ़िए। तो ये भी ऐसा नहीं है, इसको भी लोग सोचते थे कि नहीं, ये भी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है,
इसको इसको इस पर भी केवल राजनीति होती है। तो आप ये देखिए कि इस पर भी खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने भी ये तय किया कि अच्छा अगर ये किसी को इससे परेशानी होती है तो हम ये नहीं करते। ये बहुत अच्छा है, इसका इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हर आदमी को। और मैं अपील करूंगा कि जहां जहां मुमकिन हो, जहां अपने घरों में जिनके पास बड़े हॉल है वहां नमाजों का एहतमाम करें, सड़क पे कम से कम आके नमाज पढ़ें, जहां बहुत ज्यादा मजबूरी हो वहां पढ़ें। इजाजत दे एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आनंद दुबे जी को और वागीश जी को चर्चा में लाना चाहता हूँ। पहले आपकी बात का जवाब वागीश जी से लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि एक फेल्ड नेता चुनाव की आड़ में और हनुमान चालीसा की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, एक बार फिर से खड़ा करना चाहते हैं। वागीश सारस्वत जी, राज ठाकरे जी की ओर उनका इशारा है। देखिए सौरभ भाई, एक बात तो हम बहुत साफ क्लियर कर देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 14 नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित हैं और ये सरकार उन चुनावों को करना ही नहीं चाहती, किसी ना किसी बहाने सारे चुनावों को पाल रही है। मुंबई महानगर पालिका का जो टर्म है वो 8 मार्च को ख़त्म हो चुका है, इससे पहले नागपुर का, अमरावती का, 14 महानगर पालिकाओं का खत्म किया जा चुका है। सब जगह इन्होंने प्रशासक बदल दिया है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके नया कानून बना के मुंबई में, यहाँ क्योंकि नियम में मुंबई में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना नहीं था, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया, इसलिए बिठाया कि जो मलाई है, मलिदा है, ये अकेले अकेले सरकार के जो हिस्सेदार हैं वो चाहे एनसीपी है, चाहे शिवसेना है, चाहे कांग्रेस है, वो किसी नगर सेवक में नहीं बटे, किसी पहले बटता था, कमीशन बटता था, अभी अकेले अकेले खाने के लिए लगे हुए हैं। और इसी वजह से ये 8वें अजूबे यहाँ हो रहे हैं कि अब्दुल सत्तार, देखिए आप रोक सकते हैं कि हम तो उजागर कर रहे हैं, हम जो कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम भ्रष्टाचार को सामने ला सकते हैं, कितने सारे इतने भ्रष्टाचार हैं यहाँ महानगर पालिका के जो उजागर हुए हैं लगातार, लेकिन किसी पर कार्रवाई होती नहीं है क्योंकि इनकी सरकार है, राज्य में भी ये बैठे हैं, नगर पालिकाओं में इनके प्रशासक बैठे हुए। ये जो बार बार कहने कि चुनाव होने वाले हैं, तो एक बात तो समझ लीजिए सौरभ भाई कि चुनाव नहीं है, हालांकि चुनाव नहीं है। दूसरी एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हनुमान चालीसा को ऐसे कहीं नहीं पढ़ सकते, तो भाई साहब विनम्रता के साथ कह रहा हूं, हनुमान चालीसा को कभी भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, शमशान में भी उसको पढ़ा जा सकता है, सड़क पर चलते चलते भी पढ़ा जा सकता, कहीं भी पढ़ा जा सकता है। हनुमान चालीसा धार्मिक मुद्दा नहीं है, धार्मिक मुद्दा नहीं है, सिर्फ सामाजिक मुद्दा है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शोर से हमें परेशानी हो रही है, आप अपना शोर बंद कर दीजिए, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। अभी 3 तारीख को रमजान ईद है, हमने पूरे महाराष्ट्र में, सौरभ जी, हमने पूरे महाराष्ट्र में परमिशन मांगी है, हम महाआरती करने वाले हैं, रमजान ईद वाले दिन हम परमिशन लेकर के, पुलिस की परमिशन के साथ हम महाआरती करेंगे, और जहां जहां हमें पुलिस परमिशन नहीं देगी वहां हम एक ही बात कह रहे हैं कि मस्जिद पर लगा अवैध लाउडस्पीकर निकाल दीजिए, हम भी हट जाएंगे, अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, जबरदस्ती वहां पर सुनाएंगे, फिर हमें गिरफ्तार होना पड़ेगा, कार्रवाई करें तो करने के लिए तैयार है, हम पे राजद्रोह लगाएंगे तो हम उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि यहाँ अजूबा ये है की एक जनप्रतिनिधि बात कहता है उसको सलाखों के पीछे जाता है। मान लीजिए किसी जगह पर लाउडस्पीकर नहीं उतरा मस्जिद के ऊपर से, क्या करेंगे आप 3 तारीख के बाद? हम आंदोलन करेंगे, हनुमान चालीसा लगाएंगे, उससे ज्यादा जोर की आवाज से लगाएंगे, पहले तो हम पुलिस से परमिशन मांग रहे हैं, पुलिस को हम कह रहे हैं कि आप उनका अवैध लाउडस्पीकर हटाइए, नहीं हटाएंगे तो फिर हम करेंगे, हमें भी करने दीजिए, सीधी सी बात है ना, अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी करने दीजिए, या उनका हटाइए, हम एकदम चुपचाप अपने घर में बैठेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।